जियानी जैंगशी को बाहर तक छोड़ने जा रहा था और अभी जो कुछ भी हुआ था उस बारे में बात कर रहा था। मतलब कि अभी अचानक से कुछ लोग आ गए और वो उसे उठा के ले जाने लगे। तो वो कहता है कि पता नहीं, मैं ये समझ ही नहीं पा रहा हूँ, क्या मेरी मॉम ने बहुत सारे पैसे किसी से उधार लिए है और वो लोग मुझे इसलिए उठा के ले जाना चाहते है। जैंगशी, तुम्हें क्या लगता है? जैंगशी कहता है मुझे नहीं पता, मैं अकेले ही चला जाऊंगा, तो फिर तुम अपने घर पे ही रहो। जियानी कहता है तुम्हें देख के लगता है कि तुम अभी भी सदमे में हो, तो फिर मैं तुम्हें कम्युनिटी गेट तक छोड़ आता हूँ। जैंगशी कहता है इसकी कोई जरूरत नहीं, लेकिन उसका पैर ब्लॉक से टकरा गया जिससे उसे बहुत ज्यादा दर्द हुआ। जियानी हंसने लगा कि देखो तो तुम्हें, ऐसे ही तुम अकेले घर पहुंच जाओगे। जैंगशी दर्द की वजह से नीचे बैठ गया और कहता है वो सब कुछ हो जाने के बाद तुम इतना केयरफ्री कैसे हो सकते हो। जियानी भी उसके सामने बैठा और उसका फेस ऊपर करते हुए कहता है कि अगर मैं पूरी तरह से सीरियस बन गया तो फिर तुम मुझसे और भी ज्यादा चिढ़ जाओगे। जैंगशी कुछ भी नहीं कहता तो जियानी कहता है कि अभी जो कुछ भी हुआ इसलिए तुम ऐसा कर रहे हो, कि अभी उन लोगों ने तुम्हें कैसे पकड़ के रखा था, तुम उसके सामने बहुत ही कमजोर महसूस कर रहे थे, है ना? जैंगशी कहता है कि हाँ। जियानी कहता है हे, अचानक से इतनी सीरियस बात मत करने लगो। जैंगशी कहता है मैं जल्दी से ग्रो होना चाहता हूँ, स्ट्रांग बनना चाहता हूँ, ताकि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट कर सकूँ। और ये बोलते हुए उसने जियानी का हाथ पकड़ लिया, लेकिन फिर उसके बाद वो आगे कुछ भी नहीं कह पाया। वैसे भी आगे कुछ कहने की जरूरत भी नहीं है, बचपन में ये प्रॉमिस भी उसने जियानी से किया था कि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। दूसरी ओर जब मोगवान शान ने हितियान को देखा था तब वो भी उसके पीछे पीछे आया था, लेकिन अब उसे वो कहीं पे भी नहीं मिल रहा है। कि मैंने उसे यहाँ पे आते तो देखा था, अचानक से वो कहाँ पे गायब हो गया। अचानक से हितियान उसके पीछे आया और कहा कि क्या तुम मुझे ढूंढ रहे हो? और मो की तो जान गले से निकल गई, वो इतना ज्यादा डर गया। हितियान कहता है अगर पीटना नहीं चाहते तो फिर जल्दी से बता दो कि तुमने क्या देखा, बताओ कि तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे थे। मो कहता है मैं तो बस गुजर रहा था। हितियान कहता है मुझे उल्लू बनाना बंद करो, ये बताओ कि तुमने क्या सुना। मो कहता है तुम गुंडों के साथ मिले हुए हो, ये एक बहुत ही बड़ा सीक्रेट है ना? लेकिन उसके हाथ से वो शॉपिंग बैग नीचे गिर गया क्योंकि हितियान ने उसका फेस पकड़ लिया और गुस्से से कहा कि अगर तुमने अपना मुंह चलाने की हिम्मत भी की तो फिर मैं स्टील वायर से तुम्हारे होठों को सिल डालूंगा। और वो उसके होठों पे प्रेस करता हुआ कहता है कि समझ गए। मो डर के मारे कांपने लगा और कहता है हाँ मैं समझ गया, मैं बहुत ही लेजी हूँ जो किसी को जाके बताऊंगा। हितियान सोचता है यकीन नहीं हो रहा है कि वो डर के मारे कांपने लगा है। मो कहता है और ऊपर से मैं कितना दूर था तो फिर मैं ये कैसे सुन सकता हूँ कि तुम लोग क्या बात कर रहे थे। लेकिन हितियान अभी मो की बॉडी देखने लगा है और धीरे धीरे करके अपने हाथ नीचे ले जाने लगा, वो उसकी चेस्ट पे स्क्वीज करने लगा। तो मो गुस्से से उसके हाथों को दूर करता है कि पावट कहीं के दूर हटो मुझसे। हितियान हंसते हुए कहता है सॉरी, मैं बस थोड़ा भटक गया था। फिर अगले दिन हर रोज की तरह ही जैंगशी जियानी का इंतजार कर रहा था और जियानी जोर से उसका नाम चिल्लाते हुए आया और उस पे कूद गया। जैंगशी चिल्लाता है कि ये बहुत ही ज्यादा डेंजरस है इडियट। जियानी कहता है कि हाँ हाँ मैं जानता हूँ। फिर वो एक लॉलीपॉप खाते हुए पूछता है कि ओ हाँ आज कौन सा दिन है। जैंगशी उसकी ओर देख के उसे कहने वाला था कि कौन सा दिन है, लेकिन जियानी ने वही लॉलीपॉप उसके मुंह में प्लग कर दिया और ट्विस्ट ट्विस्ट करते हुए कहने लगा कि छोड़ो इसे, मुझे याद आ गया। जैंगशी उसके सर पे मारता है कि क्या तुम्हारा सर घास चने गया है। जियानी कहता है बिल्कुल भी नहीं, वो यहाँ पर ही है। और वो अपने सर पे हाथ फिराता है कि इतना जोर से मारा तुमने मुझे, और अभी कल रात ही तो तुमने मुझे कहा था कि तुम मुझे प्रोटेक्ट करोगे। वो जैंगशी के कंधे पे हाथ रखता है और हंसते हुए कहता है क्या तुम वो भूल तो नहीं गए हो ना। जैंगशी एम्बेरस हो रहा था और कहता है कि मुझे परेशान मत करो। जियानी उसे पीछे से हग करता है और कहता है तुम इतना शर्मा क्यों रहे हो, मुझे भी इससे शर्म आ रही है। जैंगशी उसे दूर करता हुआ कहता है कि छोड़ो मुझे, लेकिन तभी उन दोनों के पीछे हितियान आ गया और कहता है कौन सी शर्मीली बातें कर रहे हो, क्या तुम लोग मुझसे भी शेयर करोगे। उन दोनों का वजन जैंगशी पे ही जा रहा था तो बेचारा जैंगशी बैंड हो गया और जियानी हितियान को कहता है कि गॉसिप करने वाले लड़कों का डिक छोटा हो जाता है। ये सुन के हितियान तुरंत ही उन दोनों को साथ में किक लगा देता है। वो दोनों गिर तो गए लेकिन कब से उठ नहीं रहे थे, तो हितियान कह रहा था कि अब तुम दोनों खड़े हो जाओ, मरने की एक्टिंग मत करो। और जियानी यहाँ पे जैंगशी को कह रहा था कि सुनो, उठने के बाद सीधा भागने लगना। जैंगशी कंफ्यूज था कि लेकिन क्यों। हितियान अपना कान खुजाते हुए कह रहा था कि अगर तुम दोनों उठने नहीं वाले तो फिर मैं जा रहा हूँ, लेकिन उठने के बाद जियानी ने सीधा हितियान का पैंट निकाल दिया, तो इसलिए जियानी ने कहा था कि उठने के बाद सीधा भागने लगना।